हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5G होने वाली है और एक और होने वाली है इन्फिनिक्स GT10 प्रो, जो कि काफ़ी मस्त कंपेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आप मेरे टेक्निकल गुरु जी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं बताता हूँ कि आप कैसे कंपेयर में करके बताता हूँ कि इसमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सी फ़ोन होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप दोस्तों, इसमें आपको मिलने वाली है ये सैमसंग गैलेक्सी जो कि जेड फ्लिप होने वाली है 5G, जो कि इसमें आपको दोस्तों बता दूँ कि इसमें आपको रैम की बात कर लिया जाए, सैमसंग गैलेक्सी जो कि होने वाली है इसकी, जो कि जेड फ्लिप 5 होने वाली है इसकी, अगर जो रैम की बात कर लिया जाए तो आपको दोस्तों इसमें आपको रैम मिल जाएंगे 12GB रैम जो होने वाली है, काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव ये फ़ोन होने वाली है। और इसमें रोम की बात कर लिया जाए तो आपको 512GB का जो कि रोम मिलने वाली है, का मेमोरी कैपेसिटी जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। और इसमें दोस्तों गेमिंग प्रोसेसिंग भी आपको 12GB दिया हुआ है, काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। लेकिन इसमें दोस्तों प्रोसेसर की बात कर लिया जाए तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन दिया हुआ है, 8Gen 2 दिया हुआ ऑक्टाकोर के साथ साथ आपको 3.36GHD दिया हुआ है। अगर इसमें कैमरे की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसमें काफ़ी मस्त भी कैमरा भी दिया हुआ है। इसमें कैमरे की बात कर लिया जाए तो दोस्तों इसमें आपको ट्रिपल कैमरा होने वाली है जेड फ्लिप में, जो कि काफ़ी मस्त होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 जो 5G फ़ोन होने वाली है। इसमें आपको दोस्तों बता दिया जाए तो इसमें आपको रियल कैमरे मतलब ट्रिपल कैमरा मिलने वाली है, जिसमें आपको 50MP प्लस में 12MP प्लस में आपको 10MP की जो कि कैमरा होने वाली है, काफ़ी बेस्ट होने वाली है। और अगर जी इसमें दोस्तों आपको डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाएंगी 6.2 इंच की डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले होने वाली है। और इसके साथ साथ आपको दोस्तों अगर जो बैटरी कैपेसिटी की बात कर लिया जाए तो आपको इसमें बैटरी कैपेसिटी मिलेंगे आपको 4400 MAh की जो कि बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है, जिससे कि आपको गेमिंग खेलते वक्त काफ़ी भी फ़ोन हैंग ना करे। तो चलिए दोस्तों, इसमें अगर जब बात कर लिया जाए नेटवर्किंग की तो इसमें आपको दोस्तों 5G नेटवर्किंग होने वाली है, साथ साथ आपको इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसिंग भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपको कैमरे की बात कर लिया जाए तो काफ़ी मस्त सिक्वेंसिव इसमें कैमरा मिलने वाला है। अगर इसमें फ्रंट कैमरे की बात कर लिया जाए तो आपको दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा मिलने वाली है, आपको फ्रंट कैमरा 10MP की मिलने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। अगर जी दोस्तों इसमें अगर जब बात कर लिया जाए, आपको हैंडसेट टाइप सी केबल होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है और ये फास्ट चार्जिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप इसके साथ साथ आपको कंपेयर करके बता देता हूँ कि इन्फिनिक्स GT10 Pro जो कि काफ़ी मस्त इस बार लॉन्च किया है, तो इसमें आपको बता दिया जाए कि इसमें इन्फिनिक्स GT10 Pro की अगर जो गेमिंग प्रोसेसिंग की बात कर लिया जाए, जो कि रैम होता है, तो आपको इसमें 8GB का रैम मिल जाएगा। प्लस में आपको दोस्तों जो बात कर लिया जाए मेमोरी कैपेसिटी की, तो मेमोरी कैपेसिटी भी काफ़ी मस्त दिया हुआ है, जो कि आपको काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। मेमोरी कैपेसिटी की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको 256GB का जो कि रोम मिला है, जो कि मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। अगर जो दोस्तों इसमें प्रोसेसर की बात कर लिया जाए तो इसमें डेमनीसिटी भी 8050 दिया हुआ है, जो कि काफ़ी मस्त डेमनीसिटी भी दिया हुआ है। और अगर जो ऑक्टा कोर की बात कर लिया जाए तो 3GHD दिया हुआ है। अगर जो इसमें कैमरे की बात कर लिया जाए तो इसमें दोस्तों आपको रियल कैमरा ट्रिपल कैमरा होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त होने वाली है। तो इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा मिलने वाली है, जिसमें आपको एक मिलेंगे दोस्तों आपको 108MP की, प्लस में 2MP की, प्लस में 2MP की मिलने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। अगर जो दोस्तों इसमें बैक के फ्रंट कैमरे की बात कर लिया जाए तो आपको 32MP की जो कि फ्रंट कैमरा मिलने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। अगर जो दोस्तों इसमें डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो आपको इसमें डिस्प्ले मिलने वाली है 6.67 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। और इसमें दोस्तों बैटरी कैपेसिटी की बात कर लिया जाए, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव दिया हुआ है इसमें बैटरी कैपेसिटी भी, जिससे कि आपको दोस्तों यूज करते वक्त आपको उसमें दिया था दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 में दिया था, जो कि वो 5G फ़ोन था, उसमें आपको बैटरी कैपेसिटी दिया हुआ था 4400 MAh। और इसमें दोस्तों आपको बैटरी दिया हुआ है इन्फिनिक्स GT10 Pro में, ये जो 5G फ़ोन होने वाली है, इसमें आपको मिला है 5000 MAh की। तो दोस्तों इसमें बैटरी के हिसाब से बात किया जाए तो बैटरी के हिसाब से आपको सबसे पहले आपको बता दिया जाए तो बेस्ट होने वाली है इन्फिनिक्स GT10 Pro, जो कि काफ़ी मस्त इसमें बैटरी दिया हुआ है। और उसमें दोस्तों आपको 4400 MAh मिलेगा और इसमें आपको 5000 MAh की जो कि बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है। और साथ में आपको इसमें कैमरा भी काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव दिया हुआ है। अगर जो फ्रंट कैमरे की बात कर लिया जाए तो आपको 32MP मिला है और उसमें आपको फ्रंट में आपको 10MP मिला है। अगर जो इसमें दोस्तों फ्रंट की बात कर लिया जाए तो आपको
मतलब बैंक में बात कर लिया जाए तो इसमें ट्रिपल कैमरा है, तो उसमें भी ट्रिपल कैमरा होने वाली है। तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल की मिला है, तो उसमें आपको दोस्तों दिया हुआ है आपको 50 मेगापिक्सल, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। तो चलिए दोस्तों इसमें आपको कंपेयर करके, तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी फ़ोन होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको किसी भी वीडियो को, ये आपको किसी भी फ़ोन को मतलब डेंजर मतलब ख़राब नहीं बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट दोनों फ़ोन होने वाली है। लेकिन आपको अपने हिसाब से फ़ोन को परचेस करना है कौन से आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे टेक्निकल गुरुजी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ऑन कर दे, जिससे कि हर एक आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर